आज के डेट में हम बात करेंगे एंजल वन लिमिटेड की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात की जाए तो 2% के ऊपर की गिरावट देखने के लिए मिले और सेकंड टाइम स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1800 के लेवल से ही रिजेक्शन लिया है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। ये एक निगेटिव सिग्नल रहेगा, जब स्टॉक ने बाउंस बैक किया इस लेवल से तो ऊपर की ओर ये रिसेंट हाई ब्रेकआउट होना चाहिए था, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर ब्रेकआउट होता तो इजीली आपको 2000 के टारगेट देखने मिलते, लेकिन स्टॉक ने रिटेस्ट किया इसी लेवल को और सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, तो ये लेवल अभी नीचे की ओर ब्रेक डाउन हो सकता है। अभी आपने ऊपर के लेवल पर ख़रीदारी की है, क्योंकि पिछले 3 महीनों की बात की जाए तो ऑलमोस्ट स्टॉक 70% के रिटर्न दे चुका है। 1000 के लेवल से आप ट्रेंड में ही था, अभी स्टॉक 1640 का लेवल नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर लगातार बड़ी गिरावट आपको नीचे की ओर देखने को मिल सकती है। अभी आपने ख़रीदारी की है तो 1640 का लेवल जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर 1640 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता है तो वैसे कंडीशन में फिर आपको 2000 तक के टारगेट ऊपर की ओर